आप यहाँ पे जो किसान महापंचायत सॉरी पंचायत होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, उसमें अपने कन्नौज में जो सबसे बड़ी बेल्ट है आलू की, आलू की जो है 300 रुपए में बिक रहा है, वैसे तैयार वो 900 रुपए में लगभग हुआ होगा और यूरिया भी बहुत कम मिल रही है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, इस पे गुहार लगाएंगे जो जिलाध्यक्ष हैं अपने? हाँ साहब बिल्कुल लगाएंगे, 300 रुपए आलू बिक रहा है। अरे साहब आलू की तो बिल्कुल मिट्टी छटी गई, उसका लागत मूल्य नहीं आ रहा, हाफ हाफ हो रहा है, डीजल पेट्रोल डीजल वो आसमान जा रहा है जी, गैस सिलेंडर वो साहब 900-1000 में चल रहा है, और फ्री कह रहे फ्री कुछ नहीं, ये सरकार बिल्कुल किसानों का मटिया मेट कर रही है। हाँ तो आने वाले समय में क्या निर्णय लेंगे किसान? हम साहब बिल्कुल सरकार के विरोध में है। हाँ, पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार भी इनके खिलाफ में वोट दिया था। अच्छा अच्छा। हाँ फिर देंगे, हुंकार भरेंगे, आप सब सभी भाइयों से आकर प्रार्थना करेंगे इस सरकार को उखार फेंको, हम इस सरकार के बिल्कुल खिलाफ हैं, इसने जन विरोधी किसान विरोधी सारे कार्य जो किए हैं, किसान विरोधी लाली पाप दिखाकर किसानों को गुमराह कर रही है। हाँ अच्छा, चलिए और कुछ किसान भाई हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, कहाँ से आए हैं आप? यही सदरपुर से। सदरपुर से। हाँ। तो अभी ये मीटिंग होने वाली है कि किस वजह से ये रखा गया है प्रोग्राम आपका? ये किसानों की वजह से रखा गया है, इस पर किसानों को बहुत ज्यादा वो हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसमें जो ये जो किसान जो है इसमें पैसा जो लगाते हैं उसका सब लॉस हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है, जीविका भी नहीं चल पाती है। इतना बड़ा सत्याग्रह आज तक दुनिया में नहीं हुआ होगा, फिर भी हमारी सरकारें नहीं सुन रही हैं। क्यों? क्योंकि सुझाव आने वाले वक्त के लिए सुझाव कर रहे हैं, तीन काले कानून वापस नहीं होते हैं, जैसा किसान भाई आरोप लगा रहे हैं, तीन काले कानून हैं। देखिए वापस नहीं होते हैं, किसानों का असिस्टेंट क्या रहेगा? देखिए जो कानून है एक तो सबसे बड़ा खतरनाक कानून है, जो ये नहीं पहले था कि हम ज्यादा संग्रह नहीं करेंगे, अब इन्होंने कहा जितना चाहो सारे देश का इकट्ठा कर खरीद लो, एक व्यक्ति सारे देश का अनाज खरीद लेगा तो सारे देश का पेट किसान अनाज उस पूंजीपति के पास होगा, वो जैसा चाहेगा सरकार बनाएगा, जैसा चाहेगा जनता को नचाएगा। लास्ट सरकार को, क्योंकि 5 महीने इलेक्शन के बचे हैं, पिछली बार क्या हुआ था और इस बार क्या किसान किस तरफ जाना चाहेंगे? दरअसल मैं एक बात बता देना चाहता हूँ भारत में बैठे और उत्तर प्रदेश में बैठे शासकों को कि हमने 89 का दौर देखा है, जब लोग इस बात को कहते थे कि कांग्रेस उल्टी नहीं जा सकती, वो हार नहीं सकती, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल जैसे लोगों ने साबित करके दिखा दिया कि तुम उलट जाओगे और एक नया निज़ाम कायम होगा हिंदुस्तान के अंदर। हम जो दिल्ली तक थे, हम NCR में छा गए, हम अलीगढ़ में छा गए, हमने उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ में भी कोशिशें शुरू कर दी। परसों हमारी राज्य संयोजक मंडल की बैठक थी जिसमें तय हुआ है कि सारे जो कमिश्नरीज हैं, 18 कमिश्नरीज जो हैं, उन सब पे हम लोग किसान पंचायत करेंगे। हम लोग जितने छोटे ज़िले हैं, चाहे फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, औरैया हो, कानपुर हो, हरदोई हो, जो भी जिस प्रकार के ज़िले हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, हम लोग किसान पंचायतें करेंगे। सोचा ही नहीं जा रहा है इस सरकार में, किसानों के लिए कुछ हो ही नहीं रहा, गरीब में किसान लोग हैं, देखो जिस चीज़ में देखो हर चीज़ में महंगाई है, किसान लोगों को सिलेंडर महंगाई के मुद्दे को लेकर आप यहाँ पे आई हैं जो किसानों की समस्याएं सुन लिया नहीं है। ठीक है मैडम आप जी। मैं भी जिला अध्यक्ष फरीन बेगम हूँ, हम इसलिए यहाँ पे आए जो लोग सो चुके हैं उनको जगाने के लिए। साफ तौर पे किसान नेत्रियों का और किसान नेताओं का और कुछ किसान भाइयों का ये कहना है कि 22 में इसका सबक मिल जाएगा सरकार को, क्योंकि 10 महीने से लगातार वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डी भारत।